नागा साधुओं के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन महिलाएं भी नागा साधु बनने की दीक्षा लेती हैं। इन महिला नागा साधुओं की अपरिचित दुनिया के बारे में आज हम आपको बताएंगे। महिला नागा साधु बनने के नियम। सन्यासिन बनने से पहले महिला को 6 से 12 साल तक कठिन ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। इसके बाद गुरु यदि इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि महिला ब्रह्मचर्य का पालन कर सकती है तो उसे दीक्षा देते हैं। प्रयाग में संपन्न हुए 2013 महाकुंभ के दौरान महिला नागा सन्यासियों के स्नान और अखाड़े बनाने के लिए अलग से जगह दी गई थी। उस दौरान इसका विरोध भी हुआ था। महाकुंभ में ही पहली बार पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े ने साध्वी वेदगिरी को महामंडलेश्वर की उपाधि दी थी। महिला नागा सन्यासिन बनने से पहले अखाड़े के साधु संत महिला के घर परिवार और पिछले जीवन की जांच पड़ताल करते हैं। महिला को भी नागा सन्यासिन बनने से पहले खुद का पिंडदान और तर्पण करना पड़ता है। नागा साधुओं के अखाड़े में महिला सन्यासियों को एक अलग पहचान और खास महत्व दिया जाता है। ये महिला साधु पुरुष नागाओं की तरह नग्न रहने के बजाय अपने तन पर एक गेरुआ वस्त्र लपेटे रहती है। बिना वस्त्रों के शाही स्नान में नहाना प्रतिबंधित होता है, इसीलिए ये गेरुआ वस्त्र धारण कर ही स्नान करती है। जिस अखाड़े से महिला सन्यास की दीक्षा लेना चाहती है उसके आचार्य महामंडलेश्वर ही उसे दीक्षा देते हैं।